मेरा नाम लक्ष्य है। तुम्हारे प्रार्थना पत्र हमारे पास पड़ा है क्या? क्या परेशानी हुई थी? परेशानी ये सर, रात में कुछ लोग आए और मेरे मंदिर पर तोड़फोड़ कर दी और सब सामान टूटा फूटा पड़ा है। भू माफिया से परेशान परिवार ने पुलिस से लगाई गुहार। वृंदावन परिक्रमा मार्ग स्थित मोहिनी नगर यमुना कॉलोनी में बीती रात भू माफियाओं ने जमीन कब्जाने की नीयत से परिवार को धमकाते हुए तोड़फोड़ कर दी। पीड़ित परिवार ने कोतवाली में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। जानकारी के मुताबिक मोहिनी कॉलोनी निवासी दिनेश व लच्छो ने बताया कि बीती रात कुछ अज्ञात लोगों ने उनके खेत पर पहुंचकर उनके वृद्ध पिता को धमकाते हुए जमीन खाली करवाने को कहा है। हथियारबंद लोगों ने उनके किवाड़ ना खोलने पर उनकी जमीन व मंदिर पर तोड़ फोड़ भी की है। दहशत के साए में जी रहे परिवार ने कोतवाली में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। और ये इधर ये तोड़ा हुआ है और बाबा को हमारे को धमकी दे रहे हैं। ये इधर ये तोड़ा है, पटरियां तोड़ दी है और गाली गलौज की है और गाली गलौज की है। खोब जो का है ये यहाँ पत्थर गाड़ दिए, फलान कर दिया है, ये कर दिया है, ये सब तोड़े फोड़े मार लेट गए पेशाब के लिए जगह कर दे। क्या नाम है? जी मेरा नाम दिनेश है। क्या मामला है ये जो आपके? जी कुछ भू माफिया दबंग हैं जो हमको यहाँ से जमीन को खाली करवाना चाहते हैं ज़बरदस्ती। आए दिन धमकी देते रहते हैं, मारने पीटने की, जान से मारने की धमकी देते हैं और बोलते हैं यहाँ से छोड़ के चले जाइए अन्यथा तुम्हारा पता नहीं चलेगा। कल भी क्या किया इन लोगों ने? तोड़फोड़ की है और हमारे बाबा से अपद्र भाषा में गाली गलौज और मतलब जान से मारने की धमकी दी गई। उन्होंने किवाड़ नहीं खोली, डर के मारे अकेले थे। पुलिस को तहरीर दी आप लोगों ने? जी पिताजी अभी पुलिस को तहरीर देने गए हैं और बाकी के आगे की कार्रवाई पुलिस जो भी उचित समझे वो करेगी। मैं चाहता हूँ कि कार्रवाई जल्द से जल्द और स्वच्छ मतलब हमारा जान माल की सुरक्षा की जाए। कौन है जो धमकी दे रहे हैं? जी भू माफिया लोग हैं। रात को जो आए थे मुंह पर डांटे बंधे हुए थे बता रहे हैं बाबा, जंगला में से देखा उन्होंने झांक कर तो डांटे बैठे हुए थे उनके मुंह पर। नहीं नाम नहीं बता सकता। मेरा नाम लच्छो है। तुम्हारे प्रार्थना पत्र हमारे पास पड़ा है क्या? क्या क्या परेशानी हुई थी? परेशानी ये सर, रात में कुछ लोग आए और मेरे मंदिर पर तोड़फोड़ कर दी और सब सामान टूटा फूटा पड़ा है। सब मैं यहाँ थाने आया हूँ अपनी, और पिताजी को धमकी भी देके गए हैं, मेरे को धमकी देके गए हैं कि यह ज़मीन सब खाली कर दो वरना आप जान से मार दिया जाए। आपने पुलिस में तहरीर दे दी? हाँ दे दी, अभी दी। क्या बोले पुलिस? नहीं कर रहे हैं, बोले अभी रुको 5 मिनट कर रहे हैं जो क्या करते हैं। आगे भी ऐसा कोई आपको धमकी वमकी मिला था पहले कभी? सर पहले ऐसा तो कुछ नहीं मिला, पर लोग बाग डोलते रहते हैं लेकिन हमसे कुछ कहीं कहा नहीं है, डोलते रहते हैं। ये एप्लीकेशन मथुरा भी मैं दिया हूँ, DM साहब को दे के आया हूँ।